नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टेट विद रविंदर एकदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम अपने इस टाइम YouTube चैनल पर जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं, और जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो GK और कंप्यूटर के क्वेश्चन से संबंधित है। जो भी अब तक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए थे और जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, हम उनकी टेस्ट सीरीज आपको कराते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो करा चुका हूँ, ये आपकी वीडियो नंबर 2 होगी। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। आप इसके वीडियो के माध्यम से आप अपना स्तर भी चेक कर सकते हैं, एजुकेशन स्तर के आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। तो देरी न करते हुए मैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा कल ही क्वेश्चंस गलत हो गया था, वो क्वेश्चंस मैं सही करवा देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये किस अनुच्छेद में है। तो मैंने आपको ऑप्शन दिए थे आर्टिकल 61, और दूसरा ऑप्शन आपका जो था वो था आर्टिकल 70, थर्ड ऑप्शन जो था आपका आर्टिकल 75 था, और फोर्थ ऑप्शन था आपका आर्टिकल 85 था। तो कल मैंने आपको गलती से ये वाला टिक करा दिया था, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो है आर्टिकल 75, ठीक है ना। तो कल ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ये मैंने आपको सही करवा दिया है। और आज की नई टेस्ट सीरीज हम अपनी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे टाइम टू टाइम, और रोज़ाना वीडियो आपकी 7 बजे आती है हमारी। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। आप देखिए, हमारा जो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर है 14, सेकंड है आपका 15, एंड थर्ड 18, और फोर्थ में आपका हो गया 22। तो ऐसी कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल भाषाओं की जो संख्या है वो है 22, ठीक है ना। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मैं आपको इसके बता देता हूँ ऑप्शन। देखिए, पहला ऑप्शन है रवि राय, ऑप्शन नंबर आपका 2 है आयंगर, ऑप्शन नंबर 3 है आपका सरदार हुकम सिंह, ठीक है, और नंबर 4th है आपका GV मावलंकर। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के आपके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे GV मावलंकर, ठीक है ना, GV मावलंकर। तो ये हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। मैंने सारे जो सब्जेक्ट हैं सबके दो दो तीन तीन क्वेश्चन लिए हुए हैं, और चेक करते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो देखिए, नंबर 1 पहला है टाइटन, दूसरा है हमारा ऑप्शन मिराडा, और ऑप्शन नंबर 3 है हमारा चंद्रमा, और 4th है हमारा गैनीमेड। तो गैनीमेड, ठीक है ना। तो इनमें कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है, तो सबसे बड़ा उपग्रह जो सौरमंडल का है वो है आपका गैनीमेड, ठीक है ना। तो ये आपका है, अभी कुछ दिनों बाद हम लाइव क्लास भी चालू करेंगे, ठीक है, और उसमें हम अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे, रोजाना के 60 क्वेश्चन लगाया करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको जब तक टाइम नहीं मिल रहा तब तक आपको मैं इतने क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, रोज़ के कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास में हम आपको कराएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो भारत को 2 भागों में बांटती है, वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो भारत को 2 भागों में बांटती है। देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपका कर्क रेखा है, ऑप्शन नंबर 2 है मकर रेखा, ऑप्शन नंबर 3 है विषुवत रेखा, और ऑप्शन नंबर 4th है कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत को
दो भागों में बांटती है। देखिए भारत को अगर बात करें तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। अगर वह पृथ्वी की बात करता तो आप कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है ना, तो आप क्या कहते हैं विषुवत रेखा। तो ये हो गया आपका। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चन को निकाला है, ठीक है। तो देखिए वही योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है योग दर्शन के, देखिए पहला ऑप्शन आपका हो गया पतंजलि, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। नंबर 2 है आपका गौतम, नंबर 3 है आपका जैमिनी और नंबर 4 है आपका शंकराचार्य। तो शंकराचार्य, तो 4 ऑप्शन है आपके योग दर्शन के कौन है। देखिए योग दर्शन के जो है प्रतिपादक है पतंजलि, यहाँ पे देख लीजिए रामदेव जी क्या कराते हैं, योगा कराते हैं और उनकी कंपनी का नाम है पतंजलि, ठीक है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो आपका पहला ऑप्शन है विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर 2 है आपका कौटिल्य और ऑप्शन नंबर 3 है आपका बाण भट्ट और ऑप्शन नंबर 4 है आपका कलहण। इन्होंने तो कश्मीर की किताब लिखी थी, तो आपके जो सही आंसर होगा वो होगा विशाखादत्त। विशाखादत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किताब है विशाखादत्त की। कौटिल्य है, ठीक है, कौटिल्य की कौन सी अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का है कार्य का मात्रक क्या है। साइंस का क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है, कार्य को किसमें नापा जाता है, नंबर 1 जूल में नापा जाता है या फिर कार्य को न्यूटन में नापा जाता है या फिर कार्य को वाट में नापा जाता है या फिर कार्य को डायन में नापा जाता है। तो कार्य को किसमें नापा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका जूल। जो कार्य है कार्य को जूल में नापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ताप का ऐसे ही मात्रक बताना है हमको, ताप का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। नंबर 1 नौवीं कक्षा से है क्वेश्चन केल्विन, नंबर 2 सेल्सियस, नंबर 3 है आपका एंटीग्रेड और नंबर 4th है आपका फॉरेनहाइट। तो ताप का ऐसे ही मात्रक क्या है, केल्विन, सेल्सियस, एंटीग्रेड, फॉरेनहाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा केल्विन, ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा केल्विन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है, हाँ जी, नेक्स्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन से हमारा, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, तो क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है हमारा। तो नंबर 1 हमारा जो है गुजरात, क्या गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 आपका हो गया पंजाब, नंबर 4 हो गया आपका आंध्र प्रदेश AP। तो सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा हमारी जो मूंगफली होती है वो हमारी होती है गुजरात में, ठीक है ना, मूंगफली होती है हमारी सबसे ज़्यादा गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10 नंबर, इसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1st है 1960 से 61 के दशक में, नंबर 2
1964 से 65, ऑप्शन नंबर थ्री 1967 से 1968 में, या ऑप्शन नंबर फोर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1960 से लेकर 1961 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैंने विविध से लिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर वन है आपका 8 मार्च, क्वेश्चन नंबर दो है आपका 15 मार्च, और थर्ड है आपका 8 सितंबर, और फोर्थ है आपका 2 मार्च। तो इनमें से क्या आंसर होगा सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम पढ़ेंगे, बताएंगे केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आपको ये बताना है जो अभी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार केंद्र सरकार ने वो रिपोर्ट दी है। तो पहला इसका जो ऑप्शन है वह है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है इसका पटना, और तीसरा ऑप्शन है हमारा अहमदाबाद, और फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। तो कौन सा स्वच्छ शहर की श्रेणी में आया है, हमारे जो सूची में है सबसे ऊपर, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए अभी हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020, 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो बेस्ट मोशन पिक्चर कौन सी गई है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर, तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए, नंबर एक 1917, नंबर दो ये पिक्चर के नाम है 1971, नंबर तीन 1920, और नंबर चार है जोकर। तो जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2020 में दिया गया है 77वां, तो उसमें बेस्ट मोशन पिक्चर कौन सी है, तो बेस्ट मोशन पिक्चर जो है उसका नाम है 1917 को गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है 2020 का, और कौन से नंबर का, 77वें नंबर का। इसका ध्यान रखेंगे, कभी कभी वो 76वां भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 14 में है संघाई सहयोग संगठन SCO ने भारत के निम्न में से किस स्थल को अपने 8वें अजूबे की सूची में शामिल किया गया। तो SCO ने अपने 8वां अजूबा किसको शामिल किया है, 8वें अजूबा जो है वो कौन सा है भारत का। तो देखिए क्वेश्चन कुतुब मीनार, तो जो कुतुब मीनार है क्या उसको SCO ने अपने 8वें अजूबे की सूची में शामिल किया है, या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, या फिर अक्षरधाम को, या फिर खजुराहो को। तो कौन सा ऐसा स्थान है जिसे अभी हाल ही में SCO ने अपने 8वें अजूबे की सूची में रखा है, तो ये है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो SCO है उसने अभी 8वें अजूबे के रूप में माना है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, देखिए 15वां क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, जो भारत में विकसित जो हुआ था परम कंप्यूटर उसका विकास किसने किया है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका CBSE, ऑप्शन नंबर सेकंड है IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका
बी ए आर सी, और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए परम कंप्यूटर को किसने बनाया भारत के अंदर सबसे पहले? तो ये बनाया आपका सी डी ए सी ने, ठीक है ना, इस कंपनी ने बनाया था परम कंप्यूटर को भारत के अंदर सबसे पहले। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, www आपने देखा होगा वेबसाइट पर, इसका आविष्कारक कौन है? पहला बिल गेट्स, नंबर दो ब्रोगली, नंबर तीन हिम, हिम बर्सली या रोजर बिन्नी, रोजर बिनी, ठीक है ना। तो हिम बर्सली ने WW का आविष्कार किया था, ठीक है ना, और बिल गेट्स से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत लगती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी कोई भी वीडियो में कमी होती है तो हम कुछ सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।